जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बुरी खबर निकल करके आई है जहां पर हमारे ही देश के एक बीएसएफ जवान जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त होते हैं। बहुत सारे डिफेंस चैनल इसके ऊपर न्यूज भी बनाया है, लेकिन आपको पता है मैं सिर्फ न्यूज बताने के लिए आया नहीं हूं। इस पूरे घटना की पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। मैं देख रहा था कि किस तरीके से क्या हो रहा है, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत समझने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये घटना क्या है, ये घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा हमारे बीएसएफ यानी कि फ्रंट लाइन फोर्सेस के ऊपर फायरिंग किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले घटना को समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ करके एक सेक्टर है, उसी सेक्टर में सांबा करके एक जगह है, वहां पर 8 और 9 तारीख रात के बीच में लगभग 12 बजे के आसपास में बॉर्डर एरियाज पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अचानक से फायरिंग खोलना शुरू कर दिया। अब देखिए, बॉर्डर एरियाज पर सिर्फ बीएसएफ नहीं रहते हैं, वहां पर लोग भी रहते हैं। बॉर्डर्स के आसपास पर कई सारे गांव हैं, ये हमारे और भी है और पाकिस्तानियों के और भी है। लेकिन जब पाकिस्तानियों की ओर से फायरिंग होता है तो हमारे यहाँ पर बॉर्डर के आसपास में जितने भी गांव वाले रहते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, रात के लगभग 12 बजे अगर आप घर में सोए हुए हो, अचानक किसी और से फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगे और आपकी दीवारों के ऊपर गोलियां लगना शुरू हो जाए तो घर में बैठे औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी पैनिक में आ जाते हैं और बीएसएफ के जितने भी जवान थे वो सभी गांव वालों को रेफ्यूजी बंकर पर लेके आते हैं। अब पाकिस्तानियों की ओर से जब फायरिंग चल रहा है तो इधर से बीएसएफ को भी फायर फाइट शुरू करना पड़ा। दोनों के बीच में फायर फाइट हुआ और इसी फायर फाइट में हेड कांस्टेबल लाल फार्म कीमा, जिनका उम्र लगभग 50 साल के आसपास में है, उनको गोली लग जाती है। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 12:30 बजे के आसपास में। फायर फाइट खत्म होते ही रात को 1 बजे रिपोर्ट किया गया कि हमारे एक बीएसएफ पर्सनल इंजर्ड हो गए हैं, उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में ले जाया गया। देखिए, बीएसएफ की ओर से और जितना मुझे पता लगा है कि ये जो गोली है ये स्नाइपर ने हिट किया है। अब स्नाइपर की गोली जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वो एक लॉन्ग रेंज वेपन है। अब गोली लगने के बाद अंदर के ऑर्गन को भी डैमेज कर दिया था और पूरी तरीके से खून निकलने की वजह से हॉस्पिटल में ही वो सोल्जर, वो जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये जो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल साहब थे ये मिजोरम के थे। देखिए, न्यूज यहीं पर खत्म हो जाती है। यहां से एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है कि ये जो घटना घट रहा है ये इकलौता घटना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी स्नाइपर्स और रेंजर्स लगातार हमारे फ्रंट लाइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ये घटना है 17 अक्टूबर की, जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने आर्निया सेक्टर पर बीएसएफ के ऊपर फायर खोला और रात को अचानक छुप करके फायर करते हैं। इस फायर फाइट में हमारे 2 बीएसएफ पर्सनल्स इंजर्ड हो जाते हैं। सिचुएशन बहुत खराब होती हुई दिखाई देती है क्योंकि लगातार पाकिस्तानियों की ओर से अनएक्सपेक्टेड फायर फाइट हो रहा था, इसीलिए बीएसएफ के लोकल कमांडर और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में एक फ्लैग मीटिंग हुआ। लेकिन ये बहनचोद मदरचोद पाकिस्तानी है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। इन बहनचोदों के पास में ना एडुकेशन है, ना समझ में आता है कि जो फ्लैग मीटिंग हुआ है उसमें क्या डिसाइड हुआ है, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक कान से बंदा सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। बहनचोदों की फितरत यही है। 17 अक्टूबर फायर फाइट के बाद फ्लैग मीटिंग होता है, उसके बाद 27 अक्टूबर को मात्र 10 दिन के बाद उसी आर्निया सेक्टर पर पाकिस्तानी ट्रूप्स ने फिर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो फायरिंग था वो विलेज एरियाज के आसपास में था। अब देखिए, विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वहां पर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वहां पर अगर गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है तो अंदर से पैनिक सिचुएशन बन जाता है। तो सिचुएशन फिर से वही हुआ, जो विलेज में रहने वाले लगभग 12 घरों से लोग बाहर आ गए और बीएसएफ से मदद मांगना शुरू किया। बीएसएफ ने उनको शेल्टर दिया और काउंटर फायरिंग शुरू किया। लेकिन इस फायर फाइट में 2 बीएसएफ पर्सनल्स और 1 सिविलियन तत्कालीन परिस्थिति में इंजर्ड हो जाते हैं, उनको गोली लग जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत नहीं है इंडियन आर्मी को आने की, सिर्फ बीएसएफ को छूट दे दी जाए, घर में घुस कर इन बहनचोदों को ठोकेंगे। और जितने भी रेंजर्स घूम रहे हैं ना, जो पेड़ के पीछे छुप छुप करके इधर उधर टहलते रहते हैं, उन सबको खोपड़ी में गोली डाल करके खोपड़ी निकाल करके हाथ में दे देंगे। बहनचोद, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हमारे बीएसएफ सोल्जर्स बकायदा इतना ट्रेंड है कि अगर वो बॉर्डर पार करके भी अंदर चले जाए फिर भी इन रेंजर्स के गांड में इतना दम नहीं है कि उनको रोक सके। अब ये जो फ्रीक्वेंटली हमारे फ्रंट लाइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा फायर किया जा रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रैक्टिकल कारण है वो आज आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। मैंने अपने उस्तादों से भी बात की और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, अगर किसी भी देश के फ्रंट लाइन फोर्सेस के ऊपर दूसरे देश के फोर्सेस कंटिन्यूअसली या फिर फ्रीक्वेंटली फायरिंग करता है तो इसे कहा जाता है कंफ्यूजिंग फायरिंग। देखिए, बात यह है कि किसी भी एक सेक्टर या फिर उसी के आसपास वाले सेक्टर में अगर फ्रीक्वेंटली फायरिंग किया जाए तो उस सेक्टर के जितने भी फौजी हैं जो वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे सेक्टर के ऊपर, इस एरिया के ऊपर फायरिंग हो रहा है, जरा चौकन्ने रहना। और बीएसएफ सोल्जर्स की जो ध्यान है वो उसी सेक्टर के आसपास पर केंद्रित हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी ट्रूप्स इधर फायर करेंगे, दूसरे किसी जगह से, तारों के नीचे से या फिर सुरंग के नीचे से आतंकवादी भारत में एंटर करेंगे। लेकिन इन चूतिए पाकिस्तानियों को इतना पता नहीं है कि ये इंडियन बीएसएफ
बीएसएफ है, ये पाकिस्तानियों का चूतिया फोर्स नहीं है कि इतने झांसे में आ जाएगा और हमारे एक दो सेक्टर को गार्ड करते हुए पूरे बाकी का जो सेक्टर है उसको खाली छोड़ देगा या फिर वहां पर नजर नहीं देगा। बहनचोद, अगर किसी भी अंदर से आने की कोशिश करोगे ठोक दिए जाओगे। 72 होर की टिकट लेकर के बीएसएफ का जवान खड़ा रहेगा और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी सुरंग किसी भी तार कांटे से तू अंदर आ जा, ठोक करके ठोक बजा करके 72 होर की टिकट तेरे पॉकेट में दे दिया जाएगा और आतंकवादी सुन ले तेरे बॉडी के लाशों की चमड़ी को उधेड़ करके तुझे यहाँ जला भी देंगे। मादरचोद, आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। जय हिंद, वंदे मातरम।